इधर दिखाओ, देखो इधर देखो, दिखाओ अरे दिखा दे भैया, मैं जा रही हूँ इधर थोड़ा सा टहलने के लिए, आप सभी को दिखाते हैं। हम आए थे परसों, जो कि आरोही के पापा छोड़ने आए थे और वो छोड़ कर चले गए। रोबो ना, रुबाओ ना भाई, अच्छा चप्पल लाई, बहनी आई फिर देखो तुम निकाल के नहीं डाल दो। तो पहले यहाँ ये बना है थोड़ा सा एक कमरा, यहाँ मेरी बूढ़ी अम्मा रहती थी, अब वो घर पर रहती है, वहीं बाहर खटिया पड़ी है। तो हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे खेत को, जो कि थोड़ी दूर है यहाँ से, ये हमारी बगिया है और खेत इससे थोड़ी दूर है उधर को। वो मेरे पापा बैठे हैं और मम्मी जी चारा खन रही हैं। आओ जल्दी चप्पल पहन लो बेटा, वही पड़े बहुत सारे पेड़ में अमियां लगी हैं, यहाँ से दिख नहीं रही हैं, जूम करके दिखाते हैं। ये यहाँ बंदर नहीं रखते हैं अमियां, वैसे अमियां बहुत सारी लगी हैं पेड़ में, सारे पेड़ों में लगी हैं, इसमें भी लगी हैं। ये आरोही इधर है, इधर आ जाओ कांटे लग जाए। आरोही ये इधर मेरे दौआ की बगिया है, जो कि इधर खाली जगह नहीं है, इधर मतलब पेड़ पौधे खड़े हैं छोटे छोटे, तो खच जा रहे, और अमियां यहाँ भी लगी हैं इन पेड़ों में। ना ये अमियां लगी हैं, खटाई बनी गई है मेरे, इधर ज़्यादा कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, और हमारी बगिया में थोड़ा सा बना है, यहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मैंने थोड़ी सी अमियां खाई थी, इसीलिए गले में खराश जैसी बन गई है। अब बोल, तुम्हें नहीं रहा बेटा, जे तुमने कपड़ा सब गंदे कर ले। मम्मी जी बंदूक दिखा रहे हैं बंदर को, बंदर अमियां खा रहे हैं, पौधे को फंसाए हैं मुंह में। आरोही भगवाओ जल्दी 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 भगवाओ जल्दी जल्दी। पापा के पैर में थोड़ा से पैर पक गए हैं, इसी वजह पापा परेशान है, दवाई लेने जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। वो एक बंदर बैठा है पेड़ पर, वो बैठा है। यहाँ गांव में शादी है आज, तो वहीं पर ये बैंड बज रहे हैं, आरोही नाच रही है। हाँ नाचो, थोड़ा बैसे करो, आरोही नाच रही है, बहुत ही शैतानी दे रही है। वो गाड़ी खड़ी है दूल्हे वाली, चलो इधर चलो करके, ये हमारे खेत के लिए रोड ये जाती है। चलो बेटा आगे आगे, आरोही जा रही है आगे आगे। चलो गन्ना लेने चलें। थोड़ी ही दूर पर है खेत, ज्यादा दूर नहीं है, इधर एरिया में गन्ना ही गन्ना है इस टाइम। गन्ना अभी छोटा छोटा है, गुड़ाई चल रही है। ये केला के पेड़ खड़े हैं हमारे चाचा के, ये यहाँ से वहाँ तक ये हमारा ही खेत है सबका। तो ब्लॉग हम यहीं पर तब तक खत्म करते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे खेत को, तब हम दिखाएंगे आगे का ब्लॉग, क्योंकि हम अकेले हम आरोही ही जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम वीडियो दिखाएंगे आगे का। आरोही तुमने कपड़ा गंदे कर ले। यहाँ सबके खेत में बरियाना ही ज़्यादा होता है, सब्जी मतलब की जाती है, तो यहाँ देखो खेत में ये भी सब्जी खड़ी है सारी, और गन्ना है और सब्जी खड़ी है किसी किसी के खेत में। धान बहुत ही कम होते हैं, कोई भी खेत खाली नहीं पड़ा है जो कि उसमें धान हो जाए,
अरे वही हेलो बोलो, नमस्ते करो, इधर देख लो, हेलो दोस्तों बोल दो बेटा। तो आरोही आगे भक्ति भी जा रही है, ये धीरे धीरे तुम्हें खेत नहीं पता है कहाँ है। तो ये भी इसमें भी सब्जी खड़ी है सारी, ये हमारे दौआ का है खेत जो कि वो ताऊ जी वो वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, घास छिल रहे हैं। हाँ इधर ये लौकी लगी है, कहाँ चलिए उधर चलो घर के इधर चलो फिर दिखाते हैं, चलो ये इधर लौकी ही लौकी तुरई ही तुरई खड़ी है, तुरई खड़ी है सॉरी ये लगी है, ये लटक रही है तुरई, अंदर नहीं घुसेंगे गर्मी है बहुत तेज। ये साड़ी लगी है क्योंकि ये लिलगहुआ यहाँ नहीं रखते हैं सब्जी, तो इससे लिलगहुआ डर जाते हैं, दूर से ही चमक जाती हैं रात में कि कुछ लगा है। बेटा कैसे निकलियो यहाँ, पत्ता बंद हुए तो यहाँ पर है फंसा हुआ है, रुको कांटा लगा हुआ, रुको हम निकाल ले बेटा, निकलियो ना इसे, अरे अरे चल गन्ना बहुत घना खड़ा है, पानी लग गया है, गुड़ाई होनी बाकी है, ये इधर सब्जी ही सब्जी खड़ी है, दिखा आप आ जाओ, हम लोग अंदर आ गए हैं बरियाने में, जैसे दिखाते हैं ये लौकी लगी तो तुरई है उसमें, भूल जाती हूँ सॉरी, ये तुरई लगी है सारी, काफ़ी जगह में खड़ी हैं, ये टमाटर खड़े हैं इधर, ये टमाटर है फसल निपट गई है, टमाटर के पके पके लगे हैं, और ये रौसा की छियाँ हैं, ये सारी तुरई तुरई है इधर, ये टमाटर टमाटर बहुत सारे खड़े हैं, चलो उधर चलो चलो, सारे टमाटर भी टमाटर सारे खेत में खड़े हैं टमाटर, धीरे धीरे है ना, और इधर भी भिंडी इंडी खड़ी हैं सारी चीजें, बैंगन खड़े हैं, मिर्चा खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, है नहीं आबो भैया आबो, हम दे दें टमाटर आबो, जो का लगो आरो टमाटर खाएगी आरो के लिए टमाटर तोड़ देते हैं, बोल रही है टमाटर खाएंगे, ले ये आरोही ने इतने सारे टमाटर तोड़े और खा भी रही है, ये इतनी तेज खा ना, हम नहीं खाएंगे, हाँ तुम खा लो। तो हम लोग जा रहे हैं घर, आरोही बुला रहे हैं आओ, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत लग रही है, गन्ना की वजह से बहुत ही गर्मी लग रही है, आओ